पन्ना जिला के अमानगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलहा के कुलुआ गांव में विद्युत सप्लाई के लिए पोल गड़ाकर ट्रांसफार्मर रखा गया था, जो ज़मीन में नीचे झुक जाने के कारण 11,000 केवी की लाइन लोगों के घरों में गिरने की संभावना थी। कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस समस्या को लेकर मैंने कुलुआ गांव के लोगों से बात की और एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद एक मोजो वीडियो तैयार किया गया एवं आवेदन तैयार किया गया और वीडियो का स्क्रीनिंग किया। इसके बाद वीडियो को व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुपों में एवं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में शेयर किया गया एवं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद इसमें बदलाव आया। तो क्या समस्या थी पहले? समस्या ये थी, 11,000 लाइन आई है, उससे ट्रांसफार्मर उतरा है, तो वो दो खम्भे में जिसमें ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, तो वे खम्भे बिल्कुल गिरने की संभावना में थे। तो फिर आपने वीडियो बनाया और फिर क्या, कैसे वो सीधा हुआ? फिर आपने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया, इसके बाद कर्मचारी विभाग से आए और उनने सीधा करवाया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना थी उसमें, यदि सीधे नहीं होते। कितने साल से वो टेढ़ा पड़ा था? तो 3-4 साल से थे वो, किसी ना किसी दिन गिरने वाले थे। तो आप किसे धन्यवाद देना चाहते हैं? हम तो आपको धन्यवाद देना चाहते और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि इतना अच्छा काम किया, सबसे बड़ा हादसा बच गया, टरते टरते या पता नहीं क्या हो सकता था उसमें। ट्रांसफार्मर रख जाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? बहुत बहुत फ़ायदा भाव हमें, हमारी सिंचाई हो रही, हमें लाइट मिल रही और सो मानो हमारा बढ़िया सब कारोबार चल रहा लाइट से। तो आप किसे धन्यवाद देना चाहते हैं? हम जिसने धरवाया है मीटिंग करी लक्कू प्रजापति ने, उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इससे कितने लोगों को फायदा हुआ? इतने 500-600 आदमन के फायदा हुआ है। यह बदलाव लाने वाले अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं एवं मैं खुश हूं और मेरा समुदाय खुश है। इस तरह के काम भविष्य में होते रहें। मैं लक्कू प्रसाद, पन्ना जिला से, इंडिया अनहट के लिए।